no doubt that Israel has committed aggression in Gaza. People have no water, they have no health facilities, they have no food, which is again something which is which creates one of the major humanitarian crises. It is a genocide being conducted by Israel against the people of poor people of Palestine. गजा पर इसराइली बमबारी, पाकिस्तान ने नस्ल कुशी करार दे दी। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, इसराइल जारहियत कर रहा है, फलस्तीनी मजलूम हैं, दोनों को बराबर करार नहीं दे सकते। गजा का मुहासरा फौरी खत्म करने का मुतालबा। गजा पर मजालिम, अमरीका इसराइल का साथी बन गया। इसराइल की मदद के लिए एक और तैयारा ब्रादर बहरी जहाज रवाना करने का फैसला। पेंटागन हुकाम के मुताबिक अमरीका गजा में इसराइली ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। दो जहाज़ों की मौजूदगी का मकसद खत्े में ईरानी प्रॉक्सीज को पैगाम देने के लिए है। अमरीकी F-15 तैयारे पहले ही मशरिक़ वुस्ता में मौजूद। इसराइल की गजा पर बमबारी, अमेरिका के सफारतकारी हिदायत जारी। व्हाइट हाउस ने तनाज़े पर चीन से मदद मांग ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राबता। तनाज़े बड़ी जंग में तब्दील होने से रोकने में चीन से तआवुन की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने फौरी बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल फलस्तीन तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी हममनसब से मुलाकात। फैसल बिन फरहान ने फलस्तीनियों की जबरी नकलो मकानी मुस्तरद कर दी। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात पर बातचीत बंद कर दी। OIC का इजलास 18 अक्टूबर को तलब किया गया। फलस्तीनी भाइयों की हिमायत में पाकिस्तानी सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। गोजरा में जमात इस्लामी की खवातीन विंग की रैली। जनावाला में ताजर बरादरी का फलस्तीनी आवाम से इजहार यकजहती। और सराय मुगल में शहरियों ने इसराइली मजालिम बंद करने का मुतालबा किया। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा चीन। अनवारुल हक काकड़ आज रात चीन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म रोड एंड बेल्ट कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। चीनी सदर से मुलाकात का भी इम्कान। बीजिंग में इफ्तिताही तकरीब में 30 ममालिक के सरबराहान में मुमलिकत की शिरकत मुतवक्के। 130 ममालिक से वफूद शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सी पैक की रफ्तार सुस्त होने का तासुर गलत है, मनसूबे को तेज़ी के रास्ते पर डाला जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी। लीगी क़यादत ने इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए। मरियम नवाज जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ी। शहबाज शरीफ भी कल से इस्लामाबाद में मौजूद। अहम शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान। उधर लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला कहते हैं, 21 अक्टूबर से पाकिस्तानी सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मीनार पाकिस्तान पर नई तारीख लिखेंगे। मायूसियों का खात्मा और उम्मीद व यकीन के नए दौर का आगाज होगा। नून लीग का लाहौर कसूर रोड पर पावर शो, पंडाल तैयार, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। साबिक वज़ीर आला शहबाज पंजाब हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। अवामी इज्तिमा से नवाज शरीफ की आमद से पहले क्राउड जमा होना का अंदाजा लगाया जाएगा। कराची में MQM आज अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। औरंगी टाउन जर्मन ग्राउंड में पेंडाल सजेगा, तैयारियां जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार खिताब करेंगे। साइफर केस की जेल समाअत के खिलाफ महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक महफूज फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI ने जेल के बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा कर रखी है।
निगरान वजीर आला सिंध की हिदायत पर सीएम हाउस का अवामी शिकायत सेल 24 घंटे मुतहरक कर दिया गया। किसी भी सरकारी दफ्तर में अवाम का काम ना करने पर कार्रवाई का ऐलान। मकबूल बाकर ने कहा, रिश्वत का मुतालबा करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की गाड़ियों का गैरकानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए इकदाम। गाड़ी कहाँ और किस काम से गई, अब हिसाब देना होगा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फ्लॉप, भारत के 7 विकेटों से फतह। हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तानी टीम का इंतहाई फ्लॉप शो। पूरे ओवर्स खेले ना ही पूरे ओवर्स कराए। पूरी टीम 42.5 ओवर्स में 191 रन पर ढेर हो गई। भारत ने 192 का हदफ 30.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। भारत ने मैदान में आते ही जारहाना बैटिंग की। कप्तान शर्मा की 86 रन की इनिंग्स। बाबर आजम का बदतरीन कारकर्दगी का एतराफ, कहा हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। मिडिल ऑर्डर अचानक नाकाम हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। कहा हम ज्यादा पुरजोश नहीं होना चाहते। पाक भारत टाकरे से पहले कोहली गलत शर्ट पहनकर मैदान में आ गए। बाहर जाकर शर्ट तब्दील करके आए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कहा, मैच ICC का इवेंट नहीं बल्कि BCCI का होम इवेंट लगा। भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम का 2 रोज तक आराम होगा। ग्रीन शर्ट्स अहमदाबाद से बेंगलोर को निकल पड़े। पाकिस्तान चौथा मैच 20 अक्टूबर को खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया से आमना सामना होगा। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान आमने सामने। अफगानिस्तान की पुर एतमाद बैटिंग जारी। अफगान टीम में एक तब्दीली, नजीबुल्ला की जगह इकराम अली खैल टीम में शामिल। इंग्लिश टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने में 16 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद इदारे मुल्क बदर करेंगे। अफगान पना गजीनों की वतन वापसी का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी। 14 अक्टूबर तक 1530 अफगान शहरी अपने मुल्क रवाना हो चुके। 49 गाड़ियों में 152 खानदान वापस गए। अवाम ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी को खुशाइन करार दिया। कहा इस फैसले से मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। ₹17 लाख गैर कानूनी अफगान शहरी बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान में रिहाइश पसी। यूरोपीय यूनियन एजेंसी ऑफ असाइलम और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट सामने आ गई। गैर कानूनी तारकीन वतन दहशतगर्दी और माली जराइम से मुतालिक सबसे बड़ा खतरा करार। अक़वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन ने कहा, पाकिस्तान अफगान महाजरीन की मेज़बानी के लिए कोई फंडिंग हासिल नहीं करता। रहीम यार खान में भारतीय नौजवान गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गया। चोलिस्तान रेंजर्स ने भारतीय शहरी को हिरासत में लेकर इस्लामगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया। भारतीय शहरी विपिन के खिलाफ एंट्री एक्ट और फॉरनर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। गुजरावाला से मजीद 33 मुलजमान धर लिए गए। गिरफ्तारियों की मजमू तादाद 1900 से जायद हो गई। 16 करोड़ से जायद के जुर्माने कर दिए। 10 सनती कनेक्शंस भी बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। मुल्क भर में सर्दी की दस्तक। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में कहीं बारिश, कहीं ठंडी ठार हवाएं। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादलों ने खूब रंग जमाया। मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी ने सर्दी की आमद का पैगाम भी दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया।